नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमें बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट दिए हैं और इसके अंदर हमें छोटे छोटे और पेयर्स दिए हैं. इसमें सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है, सबसे पहले बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें ब्रैकेट्स सॉल्व करने हैं. ब्रैकेट में हम ये वाले ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पर जो नंबर दिया है इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करेंगे, दिस वन. ठीक है, -20 एज इट इज़. यहाँ पर आप माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 20 प्लस 15 35, बिग डिजिट का साइन माइनस है, आप यहाँ भी माइनस लगाइए. इसके बाद 4 एज इट इज़ लिख दीजिए, माइनस एड इज इट लिखिए, और 9 माइनस 8 1, बिग डिजिट साइन माइनस, एंड माइनस 10 एज इट इज़. क्या किया मैंने, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व करके माइनस 35 लिखा और इन दोनों को सॉल्व करके माइनस 1 लिखा है. नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 35 इंटू 4 140, माइनस प्लस माइनस. यहाँ पर देखिए माइनस माइनस होता है प्लस, इन दोनों का क्या साइन आया, प्लस. बट माइनस प्लस, ये दोनों माइनस तो प्लस हो गए, इस प्लस का इस माइनस से होने की वजह से यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस. 10 वंजा 10, माइनस माइनस प्लस. 140 में 10 को प्लस करेंगे आपको मिलेगा 150 और बिग डिजिट का साइन लगाएंगे. अब फाइनली आप 20 और 150 का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस क्या लगेगा, प्लस. प्लस शो करना ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट 3000 भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में हमें एक बिग ब्रैकेट, एक कर्ली और एक स्मॉल ब्रैकेट दिया है. सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट पे जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 1 5, बिग डिजिट साइन, 5 माइनस 5 0, 8 0 जा 0, 6 माइनस 8 माइनस 2, माइनस 2 में से 0 माइनस हुआ माइनस 2, प्लस माइनस माइनस. 50 में से आप 2 माइनस करेंगे आपको मिलेगा प्लस 48. इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, 8 प्लस 3 11, 11 टू जर 22, माइनस माइनस प्लस, 20 प्लस 22 42. क्वेश्चन नंबर 9, पहले आप डिवाइड करेंगे, 24 को 6 से डिवाइड किया आपको मिलेगा 4, 4 टू जा 8, 90 माइनस 8 82. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिवाइड, 26 को 2 से डिवाइड किया 13, 80 को 4 से डिवाइड किया 20. उसके बाद आप एडिशन करेंगे, इन तीनों नंबर का एडिशन आता है 100 और 100 में से 20 माइनस होते हैं तो आपको क्या फाइनल आंसर मिल रहा है, 80. क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ सकती है. यहाँ ऑफ है, बोडमॉस रूल के अकॉर्डिंग हमें ऑफ साइन सबसे पहले हटाना है. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 कैंसिल होने पे हमें यहाँ मिल रहा है 3 और यहाँ पर हमने कैंसिल किया है, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो हमें मिल रहा है 2 3 ज़ा 6 और 5 5 ज़ा 25. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, हमने नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड जो साइन है, यहाँ 3 के डिवाइड में कुछ नहीं है तो क्या है, 1, और डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये इस तरह से रेसिप्रोकल करना है हमें, 1/3. 24 में 1 का मल्टीप्लाई हुआ 24 और 5 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो आपको मिलेगा 15. नेक्स्ट स्टेप हमारी एज इट इज़ है. उसके बाद हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हमने यहाँ पर 15, 25 और 5 सबके डिनोमिनेटर सेम करने हैं. सबके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने एलसीएम लिया है और एलसीएम हमारा आ रहा है 75. तो 75 डिनोमिनेटर चेंज करने के लिए हमने फर्स्ट नंबर को 5 से मल्टीप्लाई किया है, सेकंड फ्रैक्शन को 3 से और थर्ड फ्रैक्शन को 15 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि हमारा एलसीएम 75 है और 75 को 15 से डिवाइड करने पर हमें 5 मिलता है, 75 को 25 से डिवाइड करने पर हमें 3 मिलता है और 75 को 5 से डिवाइड करने पर हमें 15 मिलता है. इसलिए हमने यहाँ 5, 3 और 15 लिया है. सारे डिनोमिनेटर सेम होने के बाद न्यूमरेटर्स को हम इस तरह से अरेंज करेंगे. अब 120 में 18 को प्लस करेंगे और उसमें से हम 15 माइनस करेंगे तो हमें फ़ाइनल आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा. हमारा फाइनल आंसर हमें मिल रहा है 123/75. आप चाहें तो इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15. 3 के टेबल से हमने दोनों को डिवाइड किया है, 3 के टेबल से जब 123 को डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा 41 और 3 के टेबल से 75 को डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, 25. इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमें फ्रैक्शंस गिवन है. पहले हम यहाँ पर
स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमने एलसीएम लिया 10। एलसीएम 10 लेने पर 5 से अगर 10 को डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, और अगर 10 से 10 को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। 1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 28/10। डिनोमिनेटर सेम हुए, डिनोमिनेटर सेम होकर न्यूमरेटर्स को माइनस करने पे हमें मिला 10। 10 से यहाँ हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 21/10। 28-7, 21/10। डिवाइड साइन है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये नंबर रेसिप्रोकल होगा, यानी 10 ऊपर जाएगा और 21 नीचे। 10 से 10 कैंसिल करने पे हमें मिलता है 33/21। आप चाहें तो इसे 3 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं। 3 के टेबल से कैंसिल किया, 3 1 3, 3 1 3, 3 7 21, 11/7। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो कोई एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। डिनोमिनेटर सेम होने पर डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखे, न्यूमरेटर को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। न्यूमरेटर को सबट्रैक्ट करने पे आपको मिला 25/7। अगर आपको आंसर मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए तो 7 से 25 को आप डिवाइड कीजिए। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 20, 1 माइनस करने पे आपको कितना मिला, 4। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या बनेगा इसका, 3:4/7। 3:4/7 इस तरह से आपको आंसर शीट का आंसर इजीली मिल जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन शो कर रही हूँ। इस सॉल्यूशन को देखकर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सेम वही प्रोसेस करते जाने हैं जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 11 और 12 में किया। आई होप आपको सारे स्टेप्स क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में डिनोमिनेटर सेम होने के बाद न्यूमरेटर्स को प्लस करेंगे और उसको डिवाइड करना है। यहाँ पे 2 के टेबल से डिवाइड किया है, 2 4 ज़ा 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा 2 0 ज़ा। अगेन 2 से डिवाइड किया है, 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। आपको फाइनल आंसर मिल रहा है 22/15। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पर भी आपके पास सारे नंबर फ्रैक्शन में हैं, आपके पास बिग ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है और बार ब्रैकेट है। पहले आप बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन कर्ली ब्रैकेट, और सबसे बाद में आपको बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए एलसीएम लेते हुए इस प्रोसेस को फॉलो करके फाइनल आंसर आपको निकालना है 6:3/10। इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपके पास बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट है। पहले एलसीएम लेके आप कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करिए, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, देन बिग ब्रैकेट, और उसके बाद आपका फाइनल आंसर आपको मिल रहा है 3। यहाँ पर आपकी इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है। यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर 7 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा आपको सॉल्यूशन कंप्लीट करने में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 8।